This is Ishaan Arora from Study IAS, और आप देख रहे हैं लेक्चर 14, The President in the Indian Polity Lecture Series. President के बारे में जानने से पहले, Article 50 deal with the Union Executive. Union and the States का एक mission है India. Union का मतलब Central Government. तो Union में कौन Executive है? वो डील होता है पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक. यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये पांचों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में कुछ विशेष जानकारी या वेरी स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेसिडेंट. ही इज हेड ऑफ द इंडियन स्टेट. स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस हम फर्स्ट ही लेक्चर में देख चुके हैं. जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए. The president is also the first citizen of the country and is the symbol of unity, integrity and solidarity of our nation. आगे चलते हैं election of the president. जो president of India है is elected by an electoral college consisting of elected members of the two houses of parliament and legislative assemblies of the states. ये article 54 कहता है. अब इस article को break down करके देखेंगे. Elected members कौन से टाइप के? एक तो जो दोनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो वाले. इलेक्टेड है तो नॉमिनेटेड सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, तो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट भी कैंसिल आउट हो गए. इसमें और भी इंक्लूडेड है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी. तो इसका मतलब यह है कि जो प्रेजिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. The president is in accordance with the system of proportional representation by single transferable vote. There shall be uniformity in the scale and representation of different states at the elections of president. इसमें ये article 55 कहता है. और एक और चीज ये है कि states और center के बीच में भी parity होनी चाहिए. तो इसका मतलब एक example है, जैसे राजस्थान है एक state और दूसरी state है तमिलनाडु. तो तमिलनाडु और राजस्थान में इक्वल पैरिटी होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ वोट्स की जो इनको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है वो बराबर होनी चाहिए हर एमएलए की, जो चाहे वो राजस्थान से हो चाहे तमिलनाडु से हो चाहे कोई भी स्टेट से हो, उनके वोट्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. और दूसरा, ओवरऑल जो पूरी स्टेट्स हैं इंडिया की और जो पूरा यूनियन के एमपीज हैं, मतलब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सारे पार्लियामेंटेरियंस और सारे स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी आपस में पैरिटी होनी चाहिए. तो अब देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ एन एमएलए कैसे निकलती है. इसको हम मान लेते हैं एम, एमएलए के वोट की वैल्यू. ये होती है पॉपुलेशन जितनी भी है पूरे स्टेट की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए इंटू 1/1000. तो ये एक वोट की वैल्यू हो गई एक एमएलए की. और जैसा कि हम जानते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए और एक जो एमपी हैं उनके वोट की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए. तो उनके वोट की जो वैल्यू होगी वो सारे एमएलए जितने भी एमएलए हैं पूरे इंडिया में उनके वोट की जो वैल्यू उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एमपी. जितने भी इलेक्टेड एमपी हैं दोनों हाउसेस के, अगर ये चीज हम डिवाइड कर दें इससे तो पैरिटी आ जाती है. दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि पैरिटी होनी चाहिए सारी स्टेट्स में, स्टेट्स और सेंटर में और एमपी और एमएलए के वोट्स में. एंड दिस इज हाउ दिस इज अचीव्ड. अब एलिजिबिलिटी क्या है प्रेसिडेंट बनने की, आर्टिकल 58 बताता है. अब जैसे हम यूपीएससी का एग्जाम भी देते हैं तो उसमें एक एलिजिबिलिटी होती है. आर्टिकल 58 के तहत इंडियन सिटीजन होने चाहिए जो प्रेसिडेंट बनना का इच्छुक है. फिर 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए और वो क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट या एनी लोकल अथॉरिटी. और आर्टिकल 59 के तहत भी एक कंडीशन है, शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर. अब आप कह सकते हैं कि पहले एमपीज ने इलेक्शन लड़े हैं और वो प्रेसिडेंट बने हैं या एमएलएज ने, बट फिर उनको वहां से रिजाइन करना पड़ता है ऑफिस लेने से पहले. अब ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट. ओथ का हिंदी में मतलब होता है शपथ.
Before entering upon his office, the president has to make and subscribe to an oath or affirmation. In his oath, the president swears to faithfully execute the office. Dusra, to preserve, protect and defend the constitution and law of the land. Ye bahut important hai, ye previous year mein pucha hua hai. To devote himself to the service and well-being of the people of India. Ye jo oath hai, ye kon dilwata hai? The Chief Justice of India. और अगर वो एबसेंट हो या किसी द्वारा किसी रीजन के वजह से वो नहीं आ पा रहे तो द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल. अब अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है टर्म ऑफ हिज ऑफिस कि कितनी देर तक वो बन सकते हैं. द इलेक्शन शुड बी हेल्ड टू फिल द वैकेंसी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेजिडेंट्स टर्म. इसका मतलब यह है आर्टिकल 62 ये कहता है अगर कोई सिटिंग प्रेजिडेंट है और उनका टर्म कंप्लीट होने वाला है तो उनकी टर्म की एक्सपायरी से पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए. वैसे जो टर्म है वो होता है 5 years का जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं. द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन. अगर उनको रिजाइन करना है तो वो किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. और एनी टाइम कर सकते हैं जैसे वो तो 5 year का नॉर्मल टर्म है उनसे पहले भी रिजाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे. जब वेकेंसी अकर होती है प्रेसिडेंट के टर्म में बिकॉज ऑफ हिज डेथ रेजिग्नेशन रिमूवल और अदरवाइज तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. और अगर इन चीजों के कारण ऐसा कुछ हुआ है कि वैकेंसी आई है तो इट शुड द इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी. ऊपर तो लिखा था कि अगर पुराने प्रेसिडेंट को रिटायर एक्सपायर हो रहा है टर्म तब आपको उनके एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से पहले इलेक्शन करवाना है. इस केस में ये लिखा है कि अगर डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया या रिमूव कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम सिर्फ 6 महीने तक ही उनकी जगह पर काम कर चाहिए. उससे पहले ही एक इलेक्शन हो जाना चाहिए कि हमें पता हो हमारे ये प्रेसिडेंट हैं. एक पर्सन जो प्रेसिडेंट के लिए एक बार ही अप्लाई करता है वो जितनी मर्जी बारी दोबारा अप्लाई कर सकता है. ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. इसे यूएसए में प्रेसिडेंट 2 terms के लिए होता है, यहां पर हमारे यहाँ पे जितनी मर्जी बारी कर सकते हैं. हमने अभी डिस्कस किया था जो टर्म है जनरली 5 years का होता है और वो इम्पीचमेंट या रिमूवल की वजह से कम हो सकता है. तो आर्टिकल 61 कहता है प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं सिर्फ एक ही ग्राउंड है उसका वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. और ये होती कैसी है? इनिशिएट कर सकते हैं इसको आइदर लोकसभा या राज्यसभा. मीन्स इट कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी ऑफ बोथ द हाउसेज एंड शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स. इसका मतलब चाहे लोकसभा शुरू करे चाहे राज्यसभा करे दोनों के 1/4 मेंबर्स को साइन करना होता है. दोनों के इन द सेंस अगर लोकसभा है तो 1/4 यहां से, अगर राज्यसभा है तो 1/4 राज्यसभा के मेंबर्स साइन करके एक मोशन जारी करें. और 14 डेज का आपको नोटिस देना है प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ ये चार्जेस फ्रेम्ड है. द रेजोल्यूशन ऑफ द चार्जेस फॉर द इम्पीचमेंट, जब वो रेजोल्यूशन बन गया और वो उसको मूव कर रहे हैं तो पास करना चाहिए 2/3 majority से. 2/3 majority का मतलब अगर 100 मेंबर्स हैं टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस तो इसमें से 2/3 से ज्यादा या 2/3 इसको अफर्मेटिवली हाँ करें. आफ्टरवर्ड्स द इन्वेस्टिगेटेड बाय अदर हाउस. ये जो चार्जेस हैं ये इन्वेस्टिगेट करता है दूसरा हाउस. इसे अगर लोकसभा ने इनिशिएट किया तो राज्यसभा के पास जाएगा और वो इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बुलाएंगे. तो उसके बाद क्या होगा? अगर दूसरे हाउस में भी वो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता चला कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है और 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से उसको पास कर दिया तो द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द बिल इज पास्ड. अब हम देखने जा रहे हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव पावर्स आर्टिकल 53. All the executive powers of the union are vested in him. He is the supreme commander of the defense forces. Executive powers of the president must be exercised in accordance with the constitution. Aur president jo hai wo prime minister ko appoint karte hain, other ministers ko bhi wahi appoint karte hain and they hold office during the pleasure of the president. Bharat ke first citizen aur president hone ke nate वो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, फाइनेंस कमीशन एट्सेट्रा.
He also appoints commissions to investigate the conditions of SC, ST and OBCs. He also receives the credentials of ambassadors and high commissioner from other countries. He is the commander-in-chief of the Indian Armed Forces. He can also grant a pardon. ये जो pardon है, ये executive functions में और executive powers में ही आता है. Book में कहीं ना कहीं ये judicial भी दे रखा है, वो गलत है. अब देखते हैं legislative powers. जो प्रेसिडेंट है वो समन मतलब बुलाना या फिर एंड कर सकते हैं पार्लियामेंट का सेशन. अगर लोकसभा डिसॉल्व करनी हो तो वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं. जब भी नया पार्लियामेंट का सेशन कमेंस होता है या फिर पहला सेशन हो हर साल का, वो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं. ही ऑल्सो समन्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस विच इज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर. ही कैन अपॉइंट मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होगा. ही कैन ऑल्सो अपॉइंट द मेंबर ऑफ राज्यसभा टू प्रिसाइड जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट है. 12 नॉमिनेशन वो करते हैं राज्यसभा में और 2 लोकसभा में फ्रॉम द इंडियन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस करने में जिनसे एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, या फिर बाउंड्रीज चेंज करनी हो किसी स्टेट की या नई स्टेट बनानी हो तो आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी, कंपल्सरी होता है. कोई भी बिल पार्लियामेंट में भेजा गया है वो एक्ट तभी बनता है, मतलब फोर्स में तभी आता है जब वो उसको असेंट दे देते हैं, जब प्रेसिडेंट उसको असेंट देते हैं. बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स का बिल भी प्रेसिडेंट तक आ सकता है अगर वो रिजर्व करके गवर्नर उसको रिजर्व करके रखें प्रेसिडेंट के लिए. प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंसेस भी दे सकते हैं, प्रोमल्गेट कर सकते हैं जब बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन. मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली. द इफेक्टिव मैक्सिमम पीरियड ऑफ इज 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स. ये आर्टिकल 123 में है. ऑर्डिनेंसेस का मेन पर्पस ये होता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि द पार्लियामेंट ऑफ द नेशन कैन नॉट पास अ लॉ, क्योंकि शायद से वो अभी फंक्शन में नहीं है, मतलब एक हाउस अभी डिसॉल्वड है या फिर एक हाउस अभी सिटिंग में नहीं है या दोनों नहीं है, तो उस केस में पूरा एक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि एक्ट तब बनता है जब दोनों हाउसेज उसको पास करें और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करें, असेंट दे दें. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है ये नहीं हो सकता, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं. इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो है वो बोल सकते हैं कि इमरजेंसी आ गई है होल या एनी पार्ट, अगर उनको लगे कि ऐसी ग्रेव सिचुएशन है जहां पर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन. ये बेसिकली आर्टिकल 352 की बात करता है जो नेशनल इमरजेंसी है. तीन टाइप्स की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये इमरजेंसी के चैप्टर में पूरा डिटेल में कवर होगा. फाइनेंशियल पावर्स. मनी बिल जो है प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस होता है. मनी बिल मतलब कोई खर्चा हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वगैरह से. आर्टिकल्स हैं स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब पार्लियामेंट की डिस्कशन आएगी. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट कॉजेस टू बी लेड इन द पार्लियामेंट, जिसको हम बजट भी कहते हैं. ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस. इसको कौन मैनेज करता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. डिप्लोमेटिक पावर्स. इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स आर साइन ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन बाय द प्रेसिडेंट, हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट. ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड मे सेंड एंड रिसीव डिप्लोमैट्स. मिलिट्री पावर्स. हम देख चुके हैं कि वो सुप्रीम कमांडर होते हैं और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर या कंक्लूजन ऑफ पीस जो होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही करी जाती है. पार्लियामेंट का अप्रूवल इसमें हो सकता है, बट वो करते वही है.
और ही ऑल्सो अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स. जुडिशियल पावर. अब जुडिशियल पावर्स जो है इसमें यह है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ जुडिशियरी एंड ही डिसमिसेस द जजेस अगर दोनों हाउसेस पास कर दें वो रेजोल्यूशन जिसमें उनको रिमूवल एक्सेप्ट हो जाए. द प्रेसिडेंट हैज जुडिशियल इम्यूनिटी. उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट करी जा सकती और ही इज नॉट आंसरेबल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर ड्यूटीज. इनकी जो जुडिशियल इम्यूनिटी है हम राइट टू इक्वालिटी के एक्सेप्शंस में भी देख चुके हैं जो हमने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर करा था. वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड जब पास होकर दोनों हाउसेस से एक बिल आता है तो उनके पास तीन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. ही मे गिव हिज असेंट या फिर ही मे विदहोल्ड हिज असेंट. विदहोल्ड का मतलब कि नहीं करा. ही मे रिटर्न द बिल. ये तीन होते हैं. मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते बट अगर if the bill is passed again by the parliament with or without amendments and presented to the president he must give his assent to the bill. matlab agar parliament ne bill pass kar diya hai aur president ne ek bari wapas bhej diya reconsideration ke liye isko suspensive veto bhi bolte hain to ye dobara president ko manna padega agar parliament ne dobara de diya to. ab veto jo hote hain wo char tarike ke hote hain. absolute veto matlab ki manna kar dena. क्वालिफाइड वीटो मतलब अगर प्रेसिडेंट ने मना किया है. मान लो अगर 100 हाउसेस 100 मेंबर्स का हाउस है तो अगर फर्स्ट टाइम बिल 51 लोगों ने पास करा था तो क्वालिफाइड वीटो में क्या होगा जब सेकंड टाइम आएगा तो 52 मिनिमम चाहिए आपको ये बिल पास करवाने के लिए. सस्पेंसिव का क्या मतलब है अगर 51 लोगों ने पास किया था तो दोबारा अगर 51 भी कर दें कोई दिक्कत नहीं है. अगर इनिशियल टाइम में 54 ने करा था और अगली बार अगर 51 भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बट क्वालिफाइड में फर्स्ट टाइम अगर 54 है तो नेक्स्ट टाइम 54 से ज्यादा ही होना चाहिए. पॉकेट वीटो का मतलब है कि आपने बस वो बिल ले लिया और वो रखा हुआ है उस पर साइन नहीं करा क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है उसको साइन करने के लिए. ऑफ द अबव फोर द प्रेसिडेंट इज वेस्टेड विद 3 एब्सोल्यूट वीटो सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो. क्वालिफाइड वीटो इंडिया के केस में नहीं है. And with this, we conclude today's lecture. Thank you so much. And this is Ishaan Arora wishing you all the very best. Thank you.